आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा एक्सपी फार्म लेके आ गया हूँ जो कि भाई बहुत ही छोटा है एंड लेकिन उससे आपको एक्सपी भरपूर मिलेगी, जो कि आपको माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में कभी भी एक्सपी की कमी नहीं होगी। और हाँ, मेरे को पता है कि आप थंबनेल देख के सोच रहे होंगे इस एक्सपी फार्म को तो हम जानते हैं लेकिन बट इससे हमारे बहुत सारे पोटैटोस ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वो ख़राब नहीं होते क्योंकि आप जब उसमें फार्मिंग करते हैं तो वो आपके घर पर ही रखे रहते हैं। उससे बढ़िया तो आप उनसे एक एक्सपी ले लो बहुत सारी। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आ गया हूँ। अभी तक आपने मेरी सर्वाइवल सीरीज की वीडियो नहीं देखी ना तो उस वीडियो के लिंक मैंने यहाँ आई बटन पे दे दी है, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको दो चेस्ट ऐसे रखनी है एंड पीछे दो आपको हॉपर लगाने हैं कुछ ऐसे, एक इधर एक जस्ट के बगल में एंड आगे जाके आपको उसके ऊपर दो स्मोकर रख देने हैं क्राउच कर कर एंड उसके ऊपर आपको भी दो हॉपर और रखने हैं एंड आप उसके फिर आपको पीछे चले जाना है। उससे पहले आप उसके ऊपर भी आपको दो चेस्ट रखनी है, तो यहाँ पे भी आपको क्राउच कर कर ही रखने होगी नहीं तो हॉपर ओपन हो जाएंगे कुछ ऐसे। तो इन्हें मैंने रख दी है, एक और रख देता हूँ, ये रख दी मैंने एंड अब आपको जाना है इसके पीछे एंड पीछे जाने के बाद आपको पीछे भी हॉपर लगाने हैं दो, क्योंकि स्मोकर के जस्ट पीछे होंगे कुछ ऐसे एंड इनके ऊपर भी दो चेस्ट आपको रख देनी है एंड दो चेस्ट कुछ ऐसे रख देनी है। आप इस तरफ भी फेस करके रख सकते हैं एंड इसके बाद आपका एक्चुअली फार्म आधे से ज़्यादा पूरा वर्क मतलब कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ परसेंट वर्क ही रह गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पोटैटो स्मेल्ट होकर आएंगे ना वो वाली चेस्ट ये है, जिसमें हमारे पोटैटो स्मेल्ट हो गए मतलब पककर कुकड हो गए इसमें आ जाएंगे एंड ऊपर वाले जो चेस्ट हैं इसमें हम पोटैटोज को रखेंगे पकने के लिए, तो इसमें रख देंगे वहीं से पोटैटो पककर सीधा नीचे आ जाएंगे। एंड मैं पीछे वाले आपको दिखा देता हूँ पीछे आपको क्या करना है। पीछे क्या है, पीछे हम पीछे वाली इस चेस्ट में हमें फ्यूल डालना है, जैसे आप कोल डाल सकते हो, लावा बकेट डाल सकते हो, वुड डाल सकते हो, स्लैब डाल सकते हो, प्लैंक डाल सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं डालने के लिए एंड ये है हमारे, इसमें हमें फ्यूल को रखना है एंड ये हमारा हो चुका है पूरा फार्म कंप्लीट। फिर आपको कुछ नहीं करना है इसके, बस ये स्मोकर है ना एंड आपको सेम इस तरह भी एक ब्लॉक लगाना है एंड उसके ऊपर भी आपको लीवर लगा देना है जस्ट लाइक दिस एंड फिर मैं इसकी, मेरे को ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा दिखने में तो मैं इसकी पहले लुक को सही कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा कैसा अब लगेगा उसके बाद। एंड अब मैंने इसे कुछ ऐसा कर लिया है ना, यहाँ पे दो जो हमारे लीवर लगे थे वो थोड़े गलत लग गए थे, आपको ना नीचे वाले ब्लॉक पे लगाना है क्योंकि हॉपर के बगल वाले ब्लॉक में यहाँ पे, तो ऊपर आपको नहीं लगाना, ऊपर मत लगाना, वहाँ से हटा देना, वो थोड़ी सी मेरे से गलती से लग गए थे एंड इतना हमारा बच चुका है फार्म कम्प्लीट। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हमें इस चेस्ट में क्या डालना है। इसमें मैंने वैसे तो आपको बता दिया, इसमें हम पहले अपने सारे पोटैटो डाल देते हैं एंड मैंने सारे पोटैटो डाल दिए हैं एंड अब मेरे को पीछे जाके इसमें हमारे कोल डाल देना है, जो कि मेरे टू स्टैक है मेरे पास कोल। टू स्टैक कोल के बाद आप देखेंगे कि हमारा फार्म वर्क करने लगा है। तो पहले तो इसमें मेरे को 6 स्टैक को स्मेल्ट हो जाने देता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ कि हमें इससे एक्सपी कैसे मिलेगी। अगर आपको नहीं पता, वैसे तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, अभी मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें पहले 6 स्टैक स्मेल्ट हो जाने देते हैं। One eternity later. एंड अब हमारे 6 स्टैक स्मेल्ट हो चुके हैं जो कि पूरे पोटैटोज हैं। तो अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि इसमें हमें अब कितनी एक्सपी मिलने वाली है। तो आपने सोची भी नहीं होगी इतनी एक्सपी मिलने वाली है इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सपी को लेना। तो एक्सपी लेने के लिए उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो पोटैटोज हैं वो स्मेल्ट हो रहे हैं एंड ऊपर चेस्ट में एक भी पोटैटोज नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस हॉपर में भी नहीं है एंड इस वाले हॉपर में भी नहीं है एंड ऊपर चेस्ट में भी नहीं है एंड अब हमें इसे एक्सपी चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे सर्वाइवल में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे आपको पोटैटोस को एक एक करके अपने इन्वेंटोरी में रखता जाना है। एंड आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम मेरे को 6 एक्सपी मिली है, सेकेंड टाइम से मेरी 3 एक्सपी मिली है एंड मैं इसे लेता रहता हूँ तब तक मेरा। तो यहाँ से मैंने पोटैटो तब तक निकाले तब तक मेरे पूरे मतलब यहाँ के पोटैटो ख़त्म नहीं हो गए। अब हम मेरी एक्सपी देख सकते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये पूरे 8 स्टैक पोटैटो से मेरे को इतनी एक्सपी मिली है जो कि है 55 एक्सपी, जो कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपी है। क्योंकि आपको जैसे पता है जैसे हमारी एक्सपी बढ़ती है उस हिसाब से जो हमारे एक्सपी मतलब ज़्यादा मिलती है तब एक बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसलिए मेरे को तो ये फार्म बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। और बस यही, और अभी तक आपने सर्वाइवल सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी ना तो उसे जरूर एक बार देखना एंड उसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा लास्ट में। तो बस इस वाली वीडियो को लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।